हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैन इम्परफेक्ट। इट्स मी योर फ्रेंड हंसराज हियर एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल मैन इम्परफेक्ट अगेन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कोई सीनरी व्यूज़ वगैरह नहीं दिखा रहा, जस्ट दिखा रहा मैं धूप में बैठा हूँ। एंड सिंपल थिंग इज़ दैट के राइट नाउ आई एम इन विलेज, यू ऑलरेडी नो। एंड बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मेरा मोबाइल हो चुका है ख़राब, ड्यू टू विच ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे पास, SLOs वगैरह, वो सब उसमें थे। सो वो बंद हो चुका है और आई एम यूजिंग राइट नाउ माई ब्रदर्स मोबाइल। देयरफॉर मेरे पास कॉपी में उसमें से आपको SLO दिखाऊंगा एंड देन मैं आपको उन्हीं SLO को कंटिन्यू करके समझाता जाऊंगा। फाइन, सो इट इज़ ऑल व्हाट आई कैन डू राइट नाउ इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज मैं यहाँ से अब घर भी नहीं जा सकता, बिकॉज एक्चुअली जा सकता हूँ बट सिंपल है कि अगर मैंने ना डिसाइड किया हुआ है कि मुझे वो करना है। देयरफॉर मैं आपकी हेल्प कुछ इस तरह से करने जा रहा हूँ कि SLOs यू कैन सी हियर, ओके। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम किया था SLO नंबर 11.2.3 एंड 4, जिसमें हमने इंटेंसिटी एंड इसका ऐसा यूनिट अलोंग विद दैट वी डिस्कस इंटेंसिटी लेवल। उसके बाद आपके पास SLO आ जाता है सोलो वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज कुछ कॉपी में मैंने कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अब आप इसकी वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं फ्रॉम बुक, आपके बुक में एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन, एक या दो तीन वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी एट लास्ट इस SLO में से। एंड रिमेंबर इस SLO में से आपके पास सवाल आ सकता है ERQ में कि वर्ड प्रॉब्लम आपके पास इसमें से आ सकती है ऑफ 6 मार्क्स। फाइन, सो बहरहाल 11.2.5 को करते हैं स्किप, समझो वो कंप्लीट हो चुका प्रीवियस वाले लेक्चर के साथ। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 11.3, दैट इज डिस्क्राइब नोइजेंस एज अनोइंग इंडिविजुअल्स बाय पीपल थिंग्स कंडीशंस और प्रैक्टिसेस। सिंपल चीज़ है अगर मैं आपको कॉपी पे लिख के दिखाऊं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नोइजेंस। सिंपल है, आपने ये वर्ड है ना अच्छे तरीके से सुना और समझा होगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। नोइजेंस क्या होती है? सिंपली एक एनोइंग चीज़ होती है, कोई ऐसी चीज़ साउंड की वजह से जो आपको एनोय करे। अब साउंड आपको एनोय कैसे करता है, तंग कैसे करता है, उसका रीज़न ये कैसे करता है, उसके ये क्या कह सकते हैं सोर्सेस ये हैं कि साउंड आपको कुछ इस तरह से तंग कर सकता है। जस्ट लाइक आप स्टडी कर रहे हैं और बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें और पी पी टी टू इस टाइप की आवाज़ें हों एंड यू आर स्टडिंग, देन अ क्वेश्चन अराइजेस कि आप स्टडी कर सकते हैं या नहीं इन दैट गिवन सिचुएशन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होगा कि वो स्टडी कर सके। ओके, सो दैट इज़ नोइजेंस। देखो, आपके पास जो साउंड है ना उसको बेसिकली अगर हम ना कैटेगराइज करें, वो होता है 2 टाइप्स के अंदर। एक होता है आपके पास म्यूज़िक, दैट एवरीबडी ऑलमोस्ट एवरीबडी लव्स, एंड अनदर इज़ नॉइस, जो कि बहुत क्या मतलब है ना 99.99 बंदों को ना अच्छा नहीं लगता या कब 100% लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन 99.99 इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग बेरे होते हैं एंड कुछ लोग अनोखे होते हैं। सो बहरहाल म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक को आपको डिस्कस नहीं कर रहा करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूज़िक आपके पास क्या है। म्यूज़िक आपके पास है एक प्लेजेंट साउंड जो कि प्यारा है, सबको पसंद होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें है ना रिपीटेड पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, रिपीट पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है। वेयर एज नॉइज क्या होता है, एनोइंग होता है, तंग करने वाला होता है यार बहुत ज़्यादा बुरा। और उसके आगे जाओ तो इसमें क्या होता है, इसमें ना रैंडम पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। बहरहाल ये डिफरेंस आप में नहीं है, मैंने आपको बता दिया है फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपका सवाल को मैं वापस SLO की स्टडी का रीड करता हूँ। कहता है डिस्क्राइब नॉइज एज अनोइंग इंडिविजुअल, कि नॉइज जो नॉइजेंस जो वो आपको एनोय करती है। ओके, वो किस तरह से, लोग अगर नॉइज़ करें तो
तो भी आपको है ना तंग करती है चीज़ें, अगर आपको तंग करें चीज़ों से मुराद ये ट्रैफिक वगैरह, या कुछ लोगों की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको तंग करें नॉइज़ प्रोड्यूस करके, और कुछ ऐसी कंडीशंस वगैरह, सही है। अब देखो नॉइज़ आपको तंग कैसे करता है, इसकी लाखों एग्जांपल्स मिलेंगी। फॉर सम एग्जांपल्स मैं कहूँगा, अगर आप किसी हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में चलने वाली मशीनों की आवाज़ इज़ अ नॉइज़ दैट विल एनोय यू। जनरेटर के बराबर में आप घर में खड़े हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बहरे पड़ जाओगे, दैट विल ऑल्सो एनोय यू। बात की जाए ट्रैफिक में, अगर कोई बंदा फंस जाता है तो ट्रैफिक में इंतज़ार करने से ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ें, उनकी मतलब है ना जो आवाज़ें हॉर्न वगैरह होते हैं, वो जितना एनोय करते हैं ना, उतना वहाँ पे लाइन में खड़े होके वेट करने से बंदा एनोय नहीं होता, फाइन। सो ये नॉइज़ हमें ना बहुत तरह से तंग करता है, बेवजह यार। लेकिन इसके अफेक्ट्स की बात की जाए तो क्या होते हैं, व्हाट आर द अफेक्ट्स नॉइज़ जो कि नॉइज़ की वजह से आपके पास होते हैं, ओके। सो बात की जाए अफेक्ट्स की, नॉइज़ की वजह से आपकी सेहत पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में क्या असर होगा, सो सिंपल है। नंबर वन, ये बहुत ही कॉमन है कि ना बंदे को स्लीपलेसनेस हो जाती है, नींद आना बंद हो जाती है ड्यू टू द एनोयंस जो कि है ना साउंड मतलब है ना एक नॉइज़ की वजह से हुई है, फाइन। दूसरी आपके पास आ जाती है चीज़ कि नॉइज़ आपको है ना गुस्सा दिलाता है, एंगर या कहो एग्रेशन, ओके, या कहो इरिटेट करता है, या कहो आपको एनोय करता है, ओके। सो दीज आर द इफेक्ट्स जो कि आपके पास नॉर्मल हैं, जो कि साउंड के क्या कहते हैं नॉइज आपके लिए ना क्रिएट करता है। आगे देखो और क्या क्या हो सकता है, नॉइज जो है वो है हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। इस दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं उन्हें नॉइस इरीटेट करता है, एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर ऑल दी क्रिएचर्स जो आज के वक्त में इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। देन स्पेशली बात की जाए नॉइज़ क्या है, एक ड्राइवर साउंड की, एंड हाउ डू वी लिसन साउंड, या क्वेश्चन दूसरा चेंज करूँ कि वॉट ऑर्गन या वॉट पार्ट ऑफ आर बॉडी लिसन साउंड। सो ऐसा होगा अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ, सो आपके पास आ जाता है कि एयर, ओके। सो एयर जो है ना एयर्स गेट्स, हाँ, कानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज एयर सेंसेशंस वीकेंड्स, ओके। सो दोनों बातें सेम है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एयर गेट्स हार्म या एयर सेंसेशन वीकेंड्स, कमज़ोर हो जाते हैं कान सिंपली, सही है। कोई बंदा सामने चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, आपको सुनाई नहीं देगा। देन आगे भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अगर मैं उन्हें डिस्कस करने बैठ जाऊँ इट वुड बिकम अ रियली वेरी लेंथी चैप्टर, बिकॉज नॉइज़ पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे लोग के हिसाब से मैंने बता दिया नॉइज़ आपको एनॉय करता है, कैसे करता है वो भी मैंने बता दिया, कुछ अफेक्ट्स भी बता दिए मैंने, ओके। एडिशनल मैं लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, वी हैव स्टडीड इंटेंसिटी लेवल, सही है। अब इंटेंसिटी लेवल में आपको मैं बता दूँ कि नॉइज़ और किसी के बंदे की ज़िंदगी में है, नॉइज़ से हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन वो नॉइज़ में मतलब है ना वो लिमिटेशंस जिनके अंदर रह के हम नॉइज़ में रहें फिर भी हमारे ऊपर उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो, सो वो बात आ जाती है आपके पास कुछ इस तरह से कि आपका सेफ लेवल ऑफ साउंड कहते हैं उसे, या सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ वो होता है आपके पास कि आप है ना वॉल्यूम को कम रखें और टाइम को कम रखें, ओके। और इंटेंसिटी लेवल जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम 85 to 90 decibel, और वो भी ओनली फॉर 7 to 8 hours पर डे। दिस इज़ द सेफ लेवल ऑफ साउंड और वी कैन से नॉइज़, फाइन।
सो विद दिस आपका SLO नंबर 11.3.1 होता है कंप्लीट एंड आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा. इफ येस देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बींग कनेक्टेड. बाय.